2021 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से अब 2022 है, उसमें हम दुआ करते हैं कि अच्छा सा साल गुजरे। 2022 में इस तरह कोई भी फौत ना हो कोरोना की वजह से। 2021 काफ़ी मुश्किल साल थी। 2022 में हमारे साथ ना हो और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। नया साल है, ये हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए हो। काफ़ी मुश्किल साल थी क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा था और हमारे दोस्त भाई काफ़ी फौत हुए हैं। अल्लाह उनको चंगा नसीब करे। अल्लाह करे इस साल में महंगाई भी कम हो। आवाम बहुत परेशान है, गरीब आवाम भी। और मैं कहता हूँ कि 2022 थोड़ा अच्छा गुजरे। जिस तरह 2021 में हमारे मरहूमीन फौत हुए हैं, जिस तरह फौत हो गए हैं, मैं कहता हूँ कि 2022 में इस तरह कोई भी फौत ना हो कोरोना की वजह से, तो ये वबा ख़त्म हो जाए, बस यही दुआ है। और क्या कह सकते हैं। आवाम है इसके बारे में और जो हमारी जो हालात गुजरे हैं, जो हमारा बिजनेस है सारा डिस्टर्ब हुआ है कोरोना की वजह से। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि ये 2022 में हमारे साथ ना हो और खुशहाल ज़िंदगी हम गुजारें जैसे हम पहले गुजारते आए हैं। इस 2021 में हमारे लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। कोरोना वबा ही है। कोरोना वबा की वजह से हमारे मुल्क में जो हालात रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में हमारे स्पेशली हमारे मुल्क के जो हालात रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। और महंगाई है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, बुरा हाल है लोगों का। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा नया साल है ये हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए हो। हमारे अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की दे, खासकर ये महंगाई का जो तूफ़ान है हमारे ऊपर ये ख़त्म हो जाए, ये दूर हो जाए। ये नया साल हमारे लिए खुशियों का बाइस बने। अल्लाह करे जो परेशानियां, जो तकलीफ़ें, जो मुसीबतें हमने 2021 में झेलीं, वो अल्लाह करे 2022 में ऐसा कुछ ना हो। ये खुशियाँ ले के आए, अमन का गहवारा हो, मोहब्बत भाईचारे का बाइस बने, दिल से यह दुआ है। 2021 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से अब 2022 है, उसमें हम दुआ करते हैं कि अच्छा सा साल गुजरे। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये कम हो।